पूछना चाहती हूँ कि जब आप 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, ऑफ कोर्स आपने एकदम अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बट सचिन के साथ आपका क्या खास सेलिब्रेशन था? एक बहुत स्पेशल मोमेंट हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल्स. हम लोग ताज में थे एंड हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और सब लोग एक रूम में थे. वी वर डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक. तो मी, मिस्टर युवराज सिंह एंड हरभजन सिंह, वी ऑल वेंट डाउन ऑन आर नीज एंड दे प्लेड अ सॉन्ग कॉल्ड तुझमे रब दिखता है एंड वी एक्चुअली ऑल सैंग इट टू हिम, ऑल थ्री ऑफ अस. तो नो, आई कांट सिंग इट, सॉरी, आई कांट सिंग इट. एक दो लाइंस किसी भी चीज के. यू लाइक पानी दा रंग? यस, ओके, आई विल ट्राई टू सिंग. ओके, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजू रुड़ दे. ओके, थैंक्स. ऑलराइट यार, विराट आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? विराट को गुस्सा क्यों आता है? और वो भी उसने इतनी स्वीटली पूछा है, मतलब मैं क्या आंसर दूं उसको यार. मुझे गुस्सा कभी कभार इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया में बहुत जल्दी एक प्लेयर को राइट ऑफ कर देते हैं, कि बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, क्या वो फ्यूचर में कर सकता है. तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं कि नहीं, इसको टीम से बाहर कर दो, ही इज़ नॉट गुड इनफ. तो दैट्स, दोज आर द टाइम्स वेयर आई गेट अ लिटल अनॉयड. पहले होता था मेरे साथ, लेकिन देन आई थॉट कि इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि यू स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल. तो अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है. डू यू फील कि शायद जब से आपने यू नो कैप्टनसी आपको मिली थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़े और सीरियस, थोड़े और मैच्योर, थोड़े और रिस्पॉन्सिबल हो गए? हाँ, काफ़ी उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि द होल टीम इज़ लुकिंग अप टू यू. तो आप, यू कांट बी स्टैंडिंग देयर एंड शोइंग योर इमोशंस ऑल द टाइम, क्योंकि फिर बाकी 10 प्लेयर बोलेंगे कि यार, इफ ही इज नॉट कंपोज्ड, हाउ आर वी सपोज टू बी कंपोज्ड ऑन द फील्ड. So you have to control the whole energy of the team. So that's what I've learned from the captain himself. He's so calm. Yes. Itne composed rehte hain wo. Captain cool. Yeah. In all the difficult situations, he's so composed. So that's something I've learned from him over the past sort of 1 year. I've you know, calmed down a lot. Virat, आपको पता है यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ के fans, मतलब सबसे कम उम्र के फैंस भी आपको आपके यहाँ पे मिलेंगे. तो मिट्टी जो है, मिट्टी बहुत टाइम से वेट कर रही है आपसे कुछ पूछने के लिए. आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है मैच में से? मैच में से, मतलब टीम में से? मतलब टीम में से. टीम, अच्छा. मेरे बेस्ट फ्रेंड है शिखर धवन. अच्छा, ये बताइए शिखर, आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे बने? शिखर काफी टाइम से मैं खेल रहा हूँ शिखर के साथ, फ्रॉम प्लेइंग फॉर दिल्ली 2006-2007 सीजन से. तो एक जैसे ही मैं टीम में आया, तो एक वो मतलब हम लोग सेम एरिया से हैं दिल्ली में, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पहले से ही बन गया. तो वो भी काफ़ी सिमिलर है मेरी तरह, उसकी नेचर भी. लड़ाई होती है कभी दोनों के बीच? नहीं नहीं, हमारे बीच में नहीं होती है, हमारी बाकियों से बहुत होती है. गैंग अप कर लेते हैं आप दोनों? नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. लेकिन एक जैसे मैंने बोला, एक वियर्ड सिचुएशन था कि मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक इंसान से ऐसा हो जाता है. तो उसके बाद से वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स और उसके वी स्टे प्रीटी क्लोज बाय. तो मिलते रहते हैं एक दूसरे से. तो जब टीम में आया तो आई वाज रियली हैप्पी फॉर हिम, नाउ ही इज डूइंग सो वेल. तो ऑल इन ऑल इट्स बीन रियली गुड. हु इज बीन योर टफेस्ट बॉलर व्हाइल प्ले? टफेस्ट बॉलर? हां, नाइस क्वेश्चन. टफेस्ट बॉलर हैज बीन डेल स्टेन. अभी तक ही इज वेरी गुड, ही इज बीन द टफेस्ट. और इजीएस्ट? वैसे इजीएस्ट तो नहीं, लेकिन किसके ऑपोजिट खेलना सबसे मजा आता है आपको? अभी ऑफ लेट मलिंगा को खेलने में काफी मजा आ रहा है. हां, हमें भी बहुत मजा आता है जब आप मलिंगा को खेलते हैं. तो या इज नो वनस इजी, बट कई बॉलर्स होते हैं दैट बिकम यू नो अ लिटिल इजीियर फॉर यू द वे दे बॉल, दे माइट सूट योर बैटिंग. तो अभी रिसेंटली मलिंगा हैज बीन the bowler I've enjoyed facing. All right.